इंडियन आर्मी का नाम लेते ही दुश्मनों से मैदान जंग में लड़ते सैनिकों की तस्वीर सामने आने लगती है। मगर सैनिक ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी में खास तौर पर जुड़ने के काफी रास्ते हैं। इसमें से एक है जैग। इंडियन आर्मी में कानूनी सलाह और मामलों से निपटने वाले इस पद का चयन इतना कठिन है कि किसी आम व्यक्ति के लिए उस तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मगर हिसार का नाम देश में गौरवान्वित करते हुए सबसे कठिन और देश के मात्र 7 सीटों में से जैग में बाजी मारते हुए गोविंद चंदीरामानी नंबर 1 के पायदान पर कब्जा करके सभी को फख्र से सर ऊंचा करने का उन्होंने मौका दिया है। गोविंद की इस बड़ी कामयाबी के पीछे उनके अभिभावकों के साथ ही करियर कंपास के मुख्य मेंटर डॉक्टर दिनेश नागपाल का भी बहुमूल्य योगदान रहा है। सही करियर चुनने और उसे हासिल करने में करियर कंपास के इन प्रयत्नों और गोविंद की अथक मेहनत से मिली बड़ी कामयाबी को देखते हुए गोविंद चंदीरामानी के भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे इंडियन आर्मी के ग्रुप कैप्टन विक्रम राठौर, शिक्षाविद जगदीप भार्गव, गोविंद के पिता मुकेश चंदीरामानी, हिसार टुडे के संपादक महेश मेहता, प्रवीण त्यागी, प्रदीप स्वामी और राजेश वर्मा। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद इंडियन आर्मी के ग्रुप कैप्टन विक्रम राठौर ने गोविंद का सम्मान करते हुए कहा कि उसने देश का नाम गौरवान्वित किया है और सभी बच्चों को अपनी जिंदगी में एक बार इंडियन आर्मी में जरूर जुड़ना चाहिए। टफनेस और टफनेस इजी का कभी सोचना नहीं चाहिए। हर एक फील्ड में अपना अपना होता है डिग्री ऑफ टफनेस। आर्मी में भी ऐसा ही है। जैक ब्रांच लाइक कभी आप लोगों के सामने कवर करा गया है। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रमोशंस की एवेन्यूज कम होती है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। ये ब्रांच ऐसी है कि जो लीगल एडवाइस देगी हर एक आर्मी के उसमें केसेस में, चाहे सिविल के साथ कोई केसेस हो चाहे विद इन आर्मी हो, उसमें लीगल एडवाइस देती है। तो लिमिटेड सीट्स हैं, लाइक इट वॉज कवर्ड। आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर कि भी 7 सीट ही थी और 7 सीट में ऑल इंडिया मेरिट में फर्स्ट आना, दैट इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। हार्डवर्क अब भी रहेगा, इसके बाद भी रहेगा। जब ये ट्रेनिंग में जाएगा सिर्फ अपनी लीगल ब्रांच की ट्रेनिंग नहीं लेगा, इसको एज अ आर्मी ऑफिसर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी हार्डवर्क की, टू अंडरगो स्ट्रेस, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड ऑल दैट, सो दैट ही कम्स आउट अ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड अ वेरी अपराइट ऑफिसर फॉर दिस मदरलैंड। हाउ इज प्राउड मोमेंट फॉर द हिसार? हिसार के लिए मैं तो कहूंगा कि जो भी आर्म फोर्सेस में जाएंगे आजकल आप देखेंगे, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा। अभी भी इससे पहले भी बहुत लोग हिसार के, काफ़ी लोग यहाँ पर थे। अभी पीछे पीछे एक हिसार का ही पायलट शहीद भी हुआ था जो कि यहाँ पर हुआ था, और उसके बाद में आप लोगों ने देखा था कि विंग कमांडर अभिनंदन भी जो अभी पैराशूट से वो होकर बेल आउट कर पाकिस्तान की टेरिटरी में लैंड कर गए थे, वो भी यहाँ पर हिसार ही आए हुए थे। और अभी आपने देखा ही है कि उनकी वो स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग
ही उनको यहाँ तक वापस ले आए कि पाकिस्तान को विद इन 4-5 डेज उसको छोड़ना पड़ा। ये मीडिया प्रेशर कह लीजिए, व्हाट्सएप का प्रेशर कह लीजिए, सोशल मीडिया का प्रेशर कह लीजिए, पर उनकी अपनी भी ट्रेनिंग जो थी हार्डवर्क की, प्रसिविडेंस की, उनको मेंटल कई यातनाएं दी गई होंगी, मेरे को ये पुख्ता जानकारी नहीं है, परंतु होता है ऐसे हर एक उसमें कि आपको फिजिकल टॉर्चर के तो कुछ वो रह जाते हैं, वो एक्चुअल लड़ाई में जरूर होते हैं, परंतु इसमें ऐसा करके उनको सोने ना दिया जाए, वो ना दे, कई इन्फॉर्मेशन लेने की होती है, पर ये सब ट्रेनिंग हर एक उसको दी जाती है। जैक ब्रांच का ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करेंगे या कोर्ट रूम में करेंगे, इनको फील्ड में भी जाना पड़ेगा कहीं कहीं पर एडवाइस देने के लिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज इनके पास भी आएंगी, हर एक के लिए आएगी। तो हिसार वासियों के लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि कई बच्चे अदर वोकेशन के अलावा भी आर्म फोर्सेस की तरफ रुझान फिर से हो रहा है, ये देख के बहुत ही अच्छी बात लग रही है। बीइंग आर्मी मैन, आप क्या सजेस्ट करेंगे सभी बच्चों को कि आर्मी की तरफ कितना रुझान उनका होना चाहिए, आना चाहिए बढ़ चढ़ कर आगे? मैंने अभी अपने अभिभाषण में थोड़ा सा इनको हिंट दी थी कि मैंने दोनों तरफ की लाइफ दी हुई देखी हुई है। 28 साल फौज में नौकरी, एयरफोर्स में नौकरी करके, पायलट फ्लाइंग करके खूब वहाँ इंजॉय करा। यू आर वेरी वेल लुक्ड आफ्टर, सब लोगों को मतलब जो सहूलियत मिलती है फौज में। हाँ, पहले जरूर था कि हम लोगों ने जब ज्वाइन करी है उस टाइम पे स्केल्स इतने अच्छे नहीं थे, पर जो देश के लिए काम करने का जज्बा या अपने अंदरूनी में वो चीज़ का होता है, उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ज्वाइन करते थे। आजकल स्केल्स भी अच्छे हो गए हैं। मेरी तो यही वो रहेगी कि हर एक को, जैसे ये शॉर्ट सर्विस जा रहा है, थोड़ी देर के लिए चाहे 5 साल के लिए ये फौज वाला या कोई यूनिफॉर्म सर्विस जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, स्पेशली एट अ यंग एज, सो दैट कि बाद में जाके ही कैन बी अ वेरी गुड सिटीजन फॉर दिस कंट्री। वहीं हिसार टुडे से बात करते हुए गोविंद ने बताया कि वह कॉलेज में महज 60-70% नंबर लाने वाला आम सा विद्यार्थी रहा है, मगर फिर भी उसने कड़ी मेहनत की और हिम्मत नहीं हारी, जिसके बलबूते आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। गोविंद का मानना है कि आज जो भी सफलता उसे मिली है तो वह केवल उनके परिवार के सहयोग और मेहनत के बलबूते मिली है। उसने बताया कि जैक के लिए उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, मगर फिर भी उनके अभिभावकों ने उन पर पूरा भरोसा किया और किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला, जिसके कारण आज वह सफलता की इस ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। हम जब बात करते हैं लीगल, जैसे आपने कहा ओपिनियन, और जैग बहुत ही महत्वपूर्ण पद है आर्मी में भी, इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, और आम जो हम कोर्ट में बोलते हैं लीगल ओपिनियन और ये जैग कितना डिफरेंट है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आर्मी लॉ का थोड़ा सा डिफरेंट है सिविल लॉ से। जैसे आर्मी में आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, तो वहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सिविल लाइफ में नहीं है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो बाहर एक कॉमन सिटीजन को मिलते हैं, आर्मी ऑफिसर को वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत डिसिप्लिन, और वो जरूरी भी है। उस चीज़ के लिए एक आर्मी का अलग लॉ होता है, आर्मी एक्ट होता है और आर्मी रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से वो गवर्न होते हैं सारे ऑफिसर्स। तो अगर कोई भी ऑफिसर्स उन रूल्स को या उस एक्ट के किसी प्रोविजन को ब्रीच करता है, तो उनकी अपनी एक अंदर ही प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है, प्रोसीडिंग्स। जैसे अगर किसी ऑफिसर ने कुछ गलत काम किया जो कि आर्मी एक्ट के तरफ से गलत है, तो पहले उसकी इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। तो जैग ऑफिसर का बेसिक काम ये रहता है कि ये सब लीगल प्रोसेस करवाना, मतलब कैसे होना चाहिए, सीओ को गाइड करना अच्छे से कि क्या लीगल प्रोसेस होना चाहिए, गवर्नमेंट को गाइड करना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको गाइड करना, ताकि हमको सिविल लॉ से प्रॉब्लम ना हो, एंड सपोज कोई ऑफिसर सिविल लॉ में फंस गए या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उनको कोर्ट मार्शल में लेके आना। तो ऐसे इस टाइप से होता है प्रोसीजर पूरा। बताइए, आपका आदर्श कौन है, और जिस प्रकार से आपने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी है, पेरेंट्स का कितना सहयोग मिला? पेरेंट्स का बहुत सहयोग था, वही मैंने अभी बताया आगे कि पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बस मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया, मतलब मैं वही बताया आपको, मेरे कोई 90% कभी नहीं आए थे, बट पेरेंट्स ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया, एंड इसकी वजह से मेरा माइंडसेट काफ़ी ओपन हुआ, मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देखी, एंड पेरेंट्स का हमेशा ऑल टाइम सपोर्ट रहा मेरा। तो वही मॉम डैड को बोलता हूँ कि आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे को अच्छी मैनर्स सिखाए, मेरे को कभी भी सही और गलत के बारे में उन्होंने अच्छा समझाया, एंड कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, हमेशा मुझे इन्जॉय करने दिया, बट जहाँ गलत थे वहाँ रोका, जहाँ सही थे वहाँ बिल्कुल उड़ने दिया। गोविंद के पिता मुकेश ने सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि कभी भी अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार का करियर चुनने के लिए दबाव न बनाएं, उन्हें जो पसंद है उसे करने दें, तभी आपका बच्चा किसी भी फील्ड में सफलता का परचम फहरा सकता है। प्राउड फादर टू बी प्रेजेंटेड फॉर यू, आई वांट जस्ट वांट टू से वन थिंग, everybody is having his own skills, believe in yourself. If there are any parents, I just want to say one thing,
don't pressurize your kids. Just guide them and let them do whatever they want. वही हिसार टुडे से बात करते हुए डॉक्टर दिनेश नागपाल ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि फौज में चयन होना और पूरे भारत में सिर्फ 7 सीटों में नंबर 1 में आना कोई आसान बात नहीं। उन्होंने कहा कि गोविंद बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है मगर बहुत ही मेहनती है। आज उन्हें खुशी इस बात की है कि हमारे सामने पड़ने वाले गोविंद ने इस सफलता को छुआ है और यह न केवल हिसार बल्कि पूरे हरियाणा वासियों के लिए भी गर्व की बात है। आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है हिसार के लिए भी और आज जिस प्रकार से सक्सेस पाया है बच्चे ने, कितना आपको भी प्राउड फील होता है जब ऐसे पल आते हैं, देखकर कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है मैम। और देखिए पहली बात के फौज में जज अपॉइंट होना, दूसरी बात 7 सीटें होते हुए पूरे ऑल इंडिया में टॉप करना, हिसार का स्टूडेंट एक बहुत साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, मदर इनकी JMS में जूनियर विंग की अध्यक्ष इंचार्ज हैं, फादर इनके बिजनेसमैन है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। और ये एक इतनी अच्छी भावना होती है एक टीचर के मन में जब आप देखते हैं कि आपके हाथों से जो बच्चे तैयार हुए हैं वो कहाँ पहुँच रहे हैं, तो बहुत वाकई बहुत अच्छी। और मैं समझता हूँ ना केवल हमारे लिए, पूरे हिसार वासियों के लिए, पूरे हरियाणा के लिए ये बहुत गर्व का विषय है जो गोविंद ने आज यहाँ अचीव किया है। करियर कंपास के मुख्य मेंटर डॉक्टर दिनेश नागपाल ने हिसार टुडे के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि आज अभिभावकों को अपने बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, उन्हें जिस क्षेत्र या करियर में रुचि है उनकी तरफ उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनके अभिभावकों का ही होता है। गोविंद आज जो सक्सेस पाया है उसके पीछे बैक में पेरेंट्स का सपोर्ट और टीचर्स का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना आपको लगता है कि इन दो पिलर्स के बिना सक्सेस पाना मुश्किल है या नामुमकिन है, क्या लगता है? देखिए टीचर का काम बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा पेरेंट्स को कि पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे का सहयोग करें, उसकी भावनाओं को समझें, उसकी चीज़ों को समझें और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यह है कि 10वीं 12वीं के बच्चे को अच्छे और बुरे का फ़र्क बताएं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। मैं अक्सर देखता हूं माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, बच्चों से शेयर नहीं करते, तो उस कारण से बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं। बहुत छोटी एज में उनको स्मार्टफोन ऐसी चीज़ें पकड़ा देते हैं और ये आप भी जानती हैं कि आज इंटरनेट इत्यादि के ऊपर अगर बहुत अच्छी सूचना उपलब्ध है तो उससे ज़्यादा कहीं बुरी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो बच्चे से बातचीत करें, उससे एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करें, जैसे अभी गोविंद के फादर ने कहा कि बच्चे को हमने उसके साथ जुड़ के रहे और उसको बोला कि आप अपने आप में विश्वास करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट माँ बाप का रोल। मैं अपने 15 साल के करियर काउंसलिंग के एक्सपीरियंस में आपको बता सकता हूँ मैम, मैंने ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा है जो नितांत अनपढ़ और उनके बच्चे ऑल इंडिया टॉपर, लेकिन उनका जो इमोशनल बॉन्ड, उनका जो जुड़ाव अपने बच्चों के साथ था वो कमाल का अद्भुत जुड़ाव था। ब्यूरो रिपोर्ट हिसार टुडे। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और पाएं हिसार की ताजातरीन खबरें।